आप अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत दिनों से आपसे एक बात करनी थी लेकिन कह नहीं पा रहा था, शायद सही शब्द नहीं मिल रहे थे। आज मौका मिला है तो बात कर ही देता हूँ। फिलहाल मैं हूँ महिपालपुर में और महिपालपुर है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के पास में। ये जगह फेमस है होटल्स के लिए। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो कि होटल ओनर्स हैं, लीजर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो होटल में काम करते हैं। मैं खुद भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ तो सोचा कि आज आवाज़ उठा दूँ और आपको कुछ बातें बता दूँ। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, खासकर टूरिज़्म और एविएशन इंडस्ट्री को। और टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी वेंडर्स हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई भी अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, उन सबको ही नुकसान हुआ है। जहाँ एक होटल में 20 बंदों का स्टाफ रहता था, अब वहाँ पे 10 बंदे हो गए तो 10 लोग घर चले गए समझ लो। आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, या फिर आप ये कह लीजिए होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो ज़्यादा ग्रिल नहीं करती, ज़्यादा एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती या फिर 5-6 राउंड इंटरव्यूज नहीं लेती। इंसान की ज़रूरत देख के टूरिज़्म इंडस्ट्री उसे जॉब देती है। तो अगली बार आप कभी भी दिल्ली आओ और एयरपोर्ट के पास आओ तो प्लीज़ इन बजट होटल्स, 2-स्टार होटल्स और 3-स्टार होटल्स को सेवा का मौका दीजिएगा। इनके रेट्स भी सस्ते हैं प्लस सर्विसेज भी अच्छी है, आपको हमेशा मुस्कुरा के ही वेलकम करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि टूरिज़्म इंडस्ट्री फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपना लॉसेस कवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर से जॉब दे सके। आप आएंगे तो ये ज़रूर पॉसिबल होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो को। थैंक यू।